Hello everyone, welcome back to another episode of Skit Kogigal. I'm Mehengiraya, I'm here with another video. Hope you all are doing good. So, as we all know, winters are here and also dry scalp and a lot of hair fall. Before moving to today's video, I just want to tell you guys ki maine ek skit create ki thi for the very first time, that is on things we first year students were expecting. एंड जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई. सो यार मैंने टू डेज पहले ही वो अपलोड किया, सो डू चेक इट आउट. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर देखें. सो मूविंग फॉरवर्ड, फॉर टुडेज ब्यूटी टिप वी आर गोइंग टू मेक एन अनियन हेयर ऑयल दैट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर हेयर ग्रोथ एंड ऑल्सो रिड्यूसेस आवर हेयर फॉल एंड हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हेयर इज आर कोकोनट ऑयल एंड अनियन जूस. मैंने 3 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल लिया है एंड मैंने 2 अनियंस का जूस निकाला है. आप अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं. सो अब हम अनियन जूस को कोकोनट ऑयल में मिक्स करेंगे. एंड नाउ मैं इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर रही हूँ. ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से अवेलेबल हो जाएगी. एंड ऑल्सो टू अवॉइड अनियन स्मेल, मैं यहाँ पे ओल्ड ट्री का लेवेंडर ऑयल यूज कर रही हूँ. सो हेयर आर ऑयल इज रेडी एंड अब हम इसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस से ल्यूब वॉर्म कर लेंगे एंड देन इसको अप्लाई करेंगे. तो यार मैं ऑयल को ल्यूब वॉर्म करके ले आई हूँ एंड इफ यू वॉन्ट देन आप इसमें एलोवेरा जरिए एलोवेरा जूस भी ऐड कर सकते हैं. मैंने नहीं किया बिकॉज वो मेरे हेयर को सूट नहीं करता. एलोवेरा मेरे हेयर को रफ बना देता है. सो हम इसको अप्लाई करेंगे एंड ट्राई करेंगे इसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करें बिकॉज जो हेयर लॉस है वो भी वहीं से हो रहा है, हेयर ग्रोथ भी वहीं से होगी. So tie your hair tightly and wash your hair after 1 or 2 hours. This remedy will gonna help you a lot. It will help you in regrowth of your hair and will reduce your hair loss and has a lot of benefits. We know onion juice is a very good component for our hair. I hope you all have enjoyed it and I hope this remedy will gonna help you girls a lot. If it will do, do let me know in the comment section or send me a DM on Instagram. And do not forget to like, share and subscribe and do follow me on Instagram. Bye bye.